किरात नगर में प्रयागराज में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। बचपन में गंदी संगत में पड़ गया, हाथ में तलवार रखता, जंगल में जाता, जो भी मिल जाता उसे मार देता था और उसका धन लूट करके अपने घर में इकट्ठा करने लगा। सैव प्राण क्षत्रियान वैश्या क्षुद्राश्चापि तथा परा हत्वा नानामिषेणम तद्धनम अपाहर। खूब धन इकट्ठा कर लिया, किसी भी सुंदर नारी को देखता था उसका चरित्र हरण करता था, मदिरा पान करता था। एक बार की बात, जब ये जवान पहुंचा, एक दिन शराब के नशे में एक तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। वही पास के गांव में रहने वाली एक तवायफ वैश्या, शोभावती नाम की वैश्या उधर से जा रही थी। देवराज का नाम दुनिया में मशहूर था, सब लोग उससे डरते थे। आज वैश्या ने सोचा, आज ये शराब के नशे में धुत है, इसकी शक्ति नहीं, इसको कोठे पे ले जाकर त्रिया चरित्र से नाटक करके इससे मैं अपना विवाह कर लूं, तो इसके पास जितना भी धन है, जेवर है, जमीन है, मेरे नाम करा लूंगी और लोग भी मुझसे भी डरेंगे, मुझे खतरा भी नहीं होगा। शोभावती ने नशे में पड़े हुए देवराज को उठाकर ले गई। सुबह होश आया तो श्रृंगार करके सामने खड़ी हुई। देवराज उसे देख करके मोहित हो गया। कान पावक जार सके, कान समुद्र समाये, कान करे अबला प्रबल केही जग खालन खाए। समुद्र किसको नहीं डुबा सकता, अग्नि किसको नहीं जला सकती, मौत काल किसको नहीं मार सकता, और नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। केवल मेरे श्री राम जी थे जो नारी चरित्र में नहीं आए, वरना दशरथ जी जैसे नारी चरित्र में फंस करके प्राणों का त्याग किया था। नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना। स्वभावती के चक्कर में आ गया देवराज, शादी कर ली झूठ मूठ, पता नहीं देवराज को सुंदरता में मर गया, सारा धन ले लिया, जायदाद ले ली, जमीन ले लिया, जेवर ले लिया। और जैसे ही देवराज बुढ़ा हुआ, स्वभावती ने अपने कोठे से बाहर निकाल दिया। आदमी तभी तक अभिमान करता है, किसी का अपमान करता है, जीवन में अज्ञान रखता है, जब तक उसके शरीर में ताकत होती है। जिस दिन शरीर बुढ़ापे की ओर चला जाएगा तो बड़े से बड़े पहलवान को समर्पण करना पड़ेगा। देवराज जंगल से भीख मांग मांग करके बुढ़ापे में पेट पालन कर रहा था। एक बार अचानक चलता हुआ वो, शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि का दिन के समय के पहले ही, जैसे आपके यह कथा शिवरात्रि से पहले प्रारंभ हुई, ऐसे देवराज कुछ खाने के लालच में उस पंडाल में चला गया। वहीं पर रोज कथा प्रसाद खाने के चक्कर में, भोजन के चक्कर में वहीं रहकर कथा सुनने लगा। और शिवरात्रि, आखिर में शिवरात्रि थी, शिवरात्रि की पूरी रात्रि भर चार प्रहर की पूजा करते हुए देखा। रात को सोच रहा था, जब ये पूजा करके सो जाएंगे तो मैं सारे फल और सारी दक्षिणा मंदिर में से उठा के ले जाऊंगा। कौन सोच रहा था, जोर से बोलो। कथा सुनने के बाद भी ये हालत थी, पापी का पाप जान ही रहा था, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। पूरी रात में पूजा जैसे हुई, पूजा करने वाले यजमान सो गए, दीपक जल रहा था, लाइट बंद थी। देवराज जैसे ही फल मिठाई पैसा उठाने गया तो एक यजमान के उसका पाँव लग गया, उसकी जाग हो गई, उसे पकड़ लिया, उसे इतना मारा कि उसको बुखार आ गया और 10-15 दिन में देवराज की मृत्यु हो गई। और जैसे ही देवराज की मृत्यु हुई, यम के दूत देवराज के शरीर को लेने आए, तभी शिव के गण भी विमान लेकर पहुंच गए।
पापियों ने कहा महाराज ये तो महान पापी है, आप इसको लेने कैसे आए? बोले यद्यपि ये पापी है पर मरने से पहले इसने एक काम किया। कौन सा काम किया मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। क्या काम किया? उसने शिवपुराण की कथा सुनी। शिवेति नाम दावाग्नि, शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वत भस्मी भवंत नाया सात सप्तम सप्तम न संशय है। शिव के गणों ने कहा जैसे सूखे जंगल के लकड़ियों के जंगल को जलाने के लिए एक अग्नि की चिंगारी सूखी लकड़ियों को जला के राख कर देती है, ऐसे ही शिवेति नाम दावक ने महापातक पर्वता शिव के शिवपुराण की कथा वो चिंगारी है जो कई जन्मों के पाप रूपी लकड़ियों को जला के राख कर देती है। इसलिए देवराज के सारे पाप समाप्त हो गए हैं, सारे श्राप समाप्त हो गए हैं, सारे ताप समाप्त हो गए हैं। ऐ गणो, ऐ यमदूतो तुम जाओ। चले गए यमदूत और देवराज को विमान पर बिठाकर शिवलोक ले गए। शिवजी ने उसे अपना गण बना के अपने यहां रखा।